आज भी देश देशभक्तों को याद करता है जिन्होंने आजादी दिलाई। आज प्रियंका जी ने आना है सर राइडिंग नीचे नौ तेज वाली महिलाओं में पब्लिक में उत्साह है जिसकी दादी नौ तेज वाली आईडी नीचे राजनीति और पाकिस्तान जो हर बार 5 साल के बाद लड़ाई करता था करके हमेशा के लिए पाकिस्तान के दुश्मन को खत्म करते वो मजबूत और कौन भारत चाहते इंडिया चाहते हमने इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट जो चली तो बहुत से लोग थे जिन्होंने उस टाइम सरकारी नौकरी छोड़ दी। अंग्रेज का कपड़ा था उसको छोड़ दिया उस टाइम आई अपने हाथ से कपड़ा बनाओ वही पहनो अंग्रेज का पाइप और कर हिंदुस्तानी करवाने के लिए इंडिया को आजाद करवाया और उसी की आगे लेकर जो राहुल गांधी तय कर गए हैं सिफारिश यात्रा में कि डरो मत अंग्रेजों से कांग्रेस नहीं डरी किसी ईडी से कांग्रेस नहीं डरेगी किसी इनकम टैक्स से कांग्रेस नहीं डरेगी सीबीआई से कांग्रेस नहीं डरेगी। अगर अंग्रेजों के साथ हमने मुकाबला किया तो इनका भी हम मुकाबला करेंगे कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों को पता चल गया है कि क्या है बीजेपी के पास राजस्थान में लीडर नहीं है वो ईडी को भेजती है कि आप लीड करो जाकर अगर इनके पास लीडर है तो बात करें ये कहता है कि नहीं सहेगा राजस्थान अरे देखते हैं कौन कौन सहेगा वो जो राजस्थान की जो योजनाएं हैं उनका इनके पास कोई जवाब नहीं है इनको सहेगा क्या राजस्थान मैं यही कहता हूँ कि ये आए फिर देखेंगे कौन कौन किसको सहेगा लोगों के लिए हमने लोगों की आज जो इंदिरा रसोई चल रही है इंदिरा गांधी ने 72 या 74 में बहुत पुरानी बात है उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ का नारा दिया उसमें टाइम लगा और हमने 8 रुपये की थाली उसको किया ये तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब बताएं कि राइट टू फूड कौन लेकर आया बीजेपी गवर्नमेंट नहीं लेकर आई कांग्रेस लेकर आया इनको अब जो राजस्थान में राइट टू हेल्थ है 25 लाख का भी जो इलाज चलता है क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में लागू करते हैं ये कहते हैं कि नहीं सही का राजस्थान क्या है क्या काम चल रहा है वो राजस्थान के लोग आप भी कहोगे सुनो तो डर लगता है उनको खड़गे साहब से भी डर लगता है उनको आपसे भी डर लगेगा प्रेस को भी बात लगा दिया उन्होंने कहा देखा नहीं आज आपने मोदी जी ने आप बोलकर कहा यार आप हमें कहते हो खड़गे जी से डर लगता है आप फोर्थ पिलर हूँ उनको तो आपसे भी डर लगता है ये तो आपको सोचना चाहिए लोगों को कि आपको आने वाला कोई चाहिए लीडर आपसे प्यार करने वाला वही चलेगा जो हिंदुस्तान के साथ प्यार करेगा जो डरेगा नहीं और जो हिंदुस्तान के लोगों की बात करेगा आप उन्होंने हमेशा ही कहा बीजेपी ने कहा कि वंशवाद नहीं चलेगा हम 2% सिख सोनिया जी उस टाइम कन्वीनर थी वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी उन्होंने आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जयाल सिंह को बनाया यार देखो बहुत देर से हमारा परिवार हमारी कांग्रेस परिवारवाद को नहीं करते परिवारवाद को नहीं कर रहा है अमित शाह जी का बेटा क्या है औरों के बेटे क्या है हमारा परिवारवादी हमारा परिवार है हम कांग्रेस मैं कांग्रेसी हूँ मेरा परिवार मेरे ग्रैंड फादर 1921 में कांग्रेस में आए तो हम अपने परिवार में हैं हम अपना परिवार नहीं छोड़ते हिंदुस्तान में कभी परिवार हमारी ज्वाइंट फैमिली है कोई परिवार से बाहर नहीं जाएगा वो परिवार बिल्कुल मैंने ये कहा कि ये देखिए राहुल गांधी ने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी हम सेक्रीफाइस करते हैं हम ड्रामा नहीं करते हम जुमलेबाजी नहीं करते हमारे नेता भी नहीं करते राहुल जी का भी आप दोबारा उनका प्रोग्राम बनेगा
करे लगातार जी के भी प्रोग्राम आएंगे, एडिटर भी आएंगे, जो चार लीडर हैं वो भी आएंगे, दूसरे लीडर सभी लीडर आप खुद ही जाट, आप खुद ही जाट सीखे जरूरत नहीं आवाज। जो पंजाब का जट है वो जाट, वो पंजाब का जट जो बहुत सेक्युलर है, ये कभी नहीं सोचता कि किस साथ में मैंने इसलिए कहा कि सभी आएंगे। बहुत बड़ा।